अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पसीना आने का मतलब फैट बर्न है, मतलब आज आपने बहुत ज़्यादा पसीना बहाया है तो इसका मतलब आपकी बॉडी फैट बर्न कर रही है, तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है धीरज एंड वेलकम टू माय चैनल। वैसे तो यार ये टॉपिक बहुत पुराना हो गया है और इसके ऊपर बहुत सारी सही इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को शायद वाकई में पता नहीं है इस बारे में, या फिर जानबूझ के लोगों को वो लोग मिसगाइड करते हैं शायद पैसा कमाने के लिए, ठीक है ना। और ऐसा मुझे इसीलिए लगा क्योंकि रिसेंटली मैंने एक ऐड देखा था टीवी पे जो इस तरह की फैट लॉस बेल्ट बेच रहे हैं जिसे आप अपने पेट पे लगा लो, ठीक है, और कुछ भी मत करो, ठीक है, थोड़ा बहुत जो रेगुलर काम कर रहे हो वो करो, या फिर आप आराम से सोफे पर बैठे बैठे टीवी देखो, लेकिन फिर भी आपका फैट लॉस होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पेट के आसपास पसीना आना शुरू हो जाएगा। और कई ऐसे ट्रेनर्स भी हैं जो अपने क्लाइंट्स को मोटे मोटे कपड़े पहना के कार्डियो करवाते हैं, ट्रेडमिल में भगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है या फिर उनका कहना है कि जितना ज़्यादा आप पसीना बहाओगे, जितना आपकी बॉडी से पसीना बाहर निकलेगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी फैट लॉस करेगी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है कि यार मेरा पेट के ऊपर फैट है, मेरे पेट बाहर आया हुआ है, बाकी बॉडी सही है, तो मैं सिर्फ पेट का फैट कम कर लूँ या फिर जांघों का फैट कम कर लूँ, कहने का मतलब यह है कि किसी भी अपनी बॉडी की स्पेसिफिक पार्ट पर से आप फैट को हटा नहीं सकते, फैट को कट नहीं कर सकते। आपको वहाँ से फैट लॉस करने के लिए पूरी बॉडी का फैट परसेंटेज ड्रॉप करना होता है। ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक। पसीना आना एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन करने के लिए होता है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है 37 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा, तब हमारा ब्रेन इंडिकेट करता है हमारी बॉडी को और हमारी बॉडी पसीना रिलीज करती है, पानी रिलीज करती है। हमारे जो रोम छिद्र होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, उससे पानी रिलीज करती है जिसे हम पसीना कहते हैं, ठीक है। तब वो पसीना बाहर की जो हवा है उससे कनेक्ट होकर हमारी जो बॉडी है उसके टेम्परेचर को ठंडा करता है। ओके, लेकिन हाँ, पसीना आने का हम एक मतलब और निकाल सकते हैं कि आपने आज जिम के अंदर बहुत अच्छा वर्कआउट किया है, ठीक है, लेकिन आपने अच्छा वर्कआउट जरूर किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी फैट लॉस कर रही है, ठीक है। नहीं नहीं समझे, चलो ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। अब जैसे एक आदमी है जो गर्मियों के दिनों में एक बंद कमरे में योगासन कर रहा है, ठीक है। योगासन में क्या कर रहा है? शवासन। शवासन आपको मालूम है क्या होता है? शवासन में आपको एक शव की तरह, एक लाश की तरह, सॉरी, लेकिन वो लेटना होता है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। अब वहीं पे ही दूसरा आदमी सर्दियों के दिनों में रनिंग कर रहा है, ठीक है। अब दोनों में से पसीना किसको ज़्यादा आएगा? जो गर्मियों के दिनों में एक बंद कमरे में सिर्फ शवासन कर रहा है, सिर्फ लेटा हुआ है, ठीक है, उसको पसीना ज़्यादा आएगा कंपैरिजन टू जो भाग रहा है, जो रनिंग कर रहा है सर्दियों में, ठीक है। लेकिन फैट लॉस कौन करेगा ज़्यादा? जो रनिंग कर रहा है सर्दियों में, हालांकि उसको पसीना उतना नहीं आ रहा है जितना गर्मियों के दिनों में जो शवासन कर रहा है, जो योगा कर रहा है उसको आ रहा है, लेकिन फिर भी फैट लॉस वो वाला आदमी ज़्यादा करेगा जो रनिंग कर रहा है। आप समझ रहे हैं? तो फैट लॉस का पसीना आने से डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, वेट लॉस को आप थोड़ा बहुत जरूर कनेक्ट कर सकते हो पसीना आने से। वो कैसे? क्योंकि जितना भी आपकी बॉडी वाटर रिलीज कर रही है, जो पसीना रिलीज कर रही है, उतना वजन जरूर आपका कम होगा। अब चाहे वो 100 ग्राम हो, 200 ग्राम है, 300 ग्राम हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्प्ररी वेट लॉस है। क्योंकि जब भी आप दोबारा खाना खाओगे, पानी पियोगे, तो आपकी बॉडी वो जितना भी वेट ड्रॉप किया है, वाटर वेट ड्रॉप किया है, वो दोबारा रीगेन कर लेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, एक सवाल और है कि बहुत लोगों को पसीना ज़्यादा आता है और कई लोगों को पसीना बहुत कम आता है, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग फैक्ट्स, ठीक है। जैसे आप किसी गर्म एरिया में रह रहे हो, या फिर आपका जो फिटनेस लेवल है वो कैसा है, आपकी एजिंग, जेंडर, जेनेटिक्स, आपकी बॉडी के अंदर जो रोम छिद्र हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा हैं, किसी की बॉडी पे स्वेट ग्लैंड्स कम होते हैं, या फिर आप थोड़े से हेल्दी हो, आपकी बॉडी का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो ज़्यादा है, तो उसे ठंडा करने के लिए ज़्यादा पसीना रिलीज करना पड़ता है बॉडी को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिस पर डिपेंड करता है कि किसको पसीना कम क्यों आ रहा है या फिर ज़्यादा क्यों आ रहा है। तो फिर फैट लॉस होता कैसे है? देखिए, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस काम को ख़त्म करने के लिए जितनी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर है, जितना हमारी मसल ग्लाइकोजन स्टोर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, तो वो इस एनर्जी यूज़ करती है हमारी बॉडी उस काम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। फिर वो काम अगर और ज़्यादा लंबा चलता है, तब हमारी बॉडी को और एनर्जी की ज़रूरत होती है उस काम को ख़त्म करने के लिए, तब हमारी बॉडी टैप करती है कार्बोहाइड्रेट और फैट को टू जनरेट एनर्जी, ताकि हम उस काम को ख़त्म कर सकें, ठीक है, और ये काम एक्सरसाइज है। ओके, और जब ये काम और ज़्यादा लंबा चलता है, तब हमारी बॉडी कंटिन्यूसली टैप करती रहती है फैट को और कार्बोहाइड्रेट को टू मेक एनर्जी टू फिनिश दिस वर्कआउट, दिस एक्सरसाइज। ओके,
तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, और कोई पॉइंट है? अब मेरे हिसाब से और कोई पॉइंट बचा नहीं है, मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, आपको लगता है कि मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया है, तो वो आप सवाल मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो नए भाई लोग आए हैं इस चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। ओके, नीचे जो लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे आपको दबाना है, और उसके बाद जो घंटी का निशान आता है वो भी आपको प्रेस करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you soon.